क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ, पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। साथ ही आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर से देश के प्रधानमंत्री बनने के सफ़र की तमाम यादें, अटल जी के जीवन से जुड़े कई किस्से और कहानियां लेकर आए हैं। 1996 की एक दोपहर अटल बिहारी वाजपेयी के रायसीना रोड स्थित बंगले पर भारी भीड़ थी। भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकार जानना चाहते थे कि आखिर पार्टी ने क्या फैसला किया है, क्या सबसे बड़े संसदीय दल के नाते वह सरकार बनाएगी या बहुमत ना होने की वजह से दावा छोड़ देगी। आखिर वाजपेयी बाहर आए और बोले कि कृपया मेरी क्यारियों में ना चलें, मैंने कल ही इनमें बीज बोए हैं। ऐसे थे वाजपेयी। राजनीतिक आपाधापी में भी मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रख पाना कम ही राजनेताओं को आता है। अटल ने घोषणा कर दी कि पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि अगले ही दिन वह राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सत्ता के लालची होने के खूब आरोप लगे। वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार बनाने का निर्णय मेरा नहीं था, पार्टी का था। मतदाताओं ने भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। ऐसे में जब राष्ट्रपति महोदय ने हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया तो मैं क्या करता? क्या मैदान छोड़ देता? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता? हमने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर उस पर सभी पार्टियों का समर्थन मांगा है। राष्ट्रपति महोदय ने हमें 31 मई तक बहुमत साबित करने को कहा। आज 28 तारीख है, हमें ज़रूरी समर्थन नहीं मिल सका। अब मैं 31 तक भी नहीं करूंगा। मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, कृपया मेरी नीयत पर संदेह मत कीजिए। मैंने कभी दूसरे तरह के खेल नहीं खेले और ना ही खेलूंगा। इसके बाद वे उठ गए और सीधे राष्ट्रपति भवन चले गए और इस्तीफा दे दिया। ऐसे थे वाजपेयी। 24 कैरेट खरे जिनकी ईमानदारी, वाकपटुता और सौम्य स्वभाव की मिसालें उनके राजनीतिक विरोधी भी दिया करते थे। यही वजह है कि हिंदुत्ववादी भाजपा के झंडा बरदार होने के बावजूद उन्हें मुसलमानों और ईसाइयों के वोट थोक में मिलते थे। सभी समुदायों को उन पर भरोसा था। 1998 में उनके प्रधानमंत्री बनते ही ईसाइयों पर हमले होने लगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में जंगलों से बलात्कार, उड़ीसा में ग्राहम सेंट्स को जिंदा जलाया, गुजरात और दूसरे प्रदेशों में कई घटनाएं घटी। लोग आक्रोशित हो उठे। दिसंबर से आखिरी सप्ताह में वह परिवार के साथ छुट्टी मनाने अंडमान निकोबार गए। जाते समय भुवनेश्वर और लौटते समय बेंगलुरु के राजभवन में ईसाई धर्मगुरुओं ने उनसे मुलाकात की। वाजपेयी ने उनकी बात सुनी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया। उसके बाद ना तो घटनाएं घटी और समुदाय भी शांत हो गए। वह कश्मीर में शांति और पाकिस्तान के साथ दोस्ती दोनों मामलों को लेकर बहुत संजीदा थे, लेकिन कभी कारगिल युद्ध, कभी कंधार विमान अपहरण तो कभी संसद पर आतंकी हमले के बहाने शांति वार्ता को पटरी से उतारने की साजिश होती रही। फिर भी वाजपेयी ने आगरा शांति वार्ता आयोजित की। मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के वजह से वह भी विफल रही। इसके बावजूद वह पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के इच्छुक थे। एक बार लंबी पदयात्रा के दौरान किसी ने उनसे पूछा कि यह पदयात्रा कब तक चलेगी। वाजपेयी ने तुरंत उत्तर दिया, पद मिलने तक पदयात्रा चलती रहेगी। ऐसे गजब के हाजिर जवाब थे वाजपेयी।
कभी कभी मुश्किल सवालों के जवाब में उनकी मुस्कान से ही संतोष करना पड़ता। एनडीए के प्रधानमंत्री आवास पर चलने वाली बैठकों के दौरान पत्रकार घंटों धूप में खड़े रहते। वाजपेयी ने न सिर्फ सबके बैठने के लिए सीढ़ी नुमा बेंच बनवा दी, बल्कि समय समय पर उन्हें पानी या चाय नाश्ता भी भिजवाते रहे। बचपन से संघ के प्रचारक बन गए अटल संघ से मिलने वाली दक्षिणा पर ही निर्भर थे। चांदनी चौक में संघ के दफ्तर में ही एक और प्रचारक जगदीश प्रसाद माथुर के साथ रहते थे। 1957 में सांसद बने। रिक्शे के पैसे नहीं होने के कारण दोनों मित्र चांदनी चौक से संसद तक पैदल जाते थे। 1998 में एनडीए बनने में वाजपेयी के स्वभाव और आचरण की बड़ी भूमिका थी। अन्नाद्रमुक, बीजद और जदयू से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक सभी को उन पर पूरा भरोसा था। समय के साथ संघ के साथ अटल के मतभेद भी बढ़ने लगे। सरकार बनने के बाद आर्थिक नीति से लेकर श्रम संगठनों तक और राम मंदिर निर्माण के मामले पर भी संघ के अनुषंगी संगठनों के साथ उनका कई बार टकराव हुआ। वाजपेयी विनिवेश के पक्षधर थे, भारतीय मजदूर संघ इसके खिलाफ था। वाजपेयी विदेशी पूंजी का निवेश चाहते थे, स्वदेशी जागरण मंच के खिलाफ था। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के मामले पर रामशिला पूजन कार्यक्रम कर वाजपेयी की मर्जी के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। शिक्षा नीति को लेकर भी संघ से विवाद रहा। ऐसे में वाजपेयी ने प्रचारक का चोला उतार फेंका और बंगलुरु में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 जनवरी 1999 को कहा कि पार्टी के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत उचित है और जारी रहनी चाहिए, लेकिन सरकार चलाने के मामलों में प्रधानमंत्री का फैसला ही अंतिम होगा। तब कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के अध्यक्ष थे। और इस तरह से कई ऐसे किस्से और कहानियां हैं जो अटल जी के कुशल नेतृत्व को याद दिलाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी आज भी अपने किस्सों और कहानियों से राजनीतिज्ञ पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं।